अरे यार हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे SBI कियोस्क में चंद CSP भाइयों का सवाल है, जिसको जानना आप लोगों को बेहद जरूरी है। उन लोगों का जो सवाल है, शायद वो आप सबों का सवाल होगा। सब लोग जानना चाहते होंगे कि इसका हल कैसे होगा। और आपने जो थंबनेल देखा होगा, तो एक हमारे भाई साहब ने भी सवाल पूछा हुआ था। तो ये सब सारे जो सवाल हैं, आप लोगों का क्या क्या सवाल है जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट जल्दी खुलने वाला अपडेट कब तक आएगा? अकाउंट खुलते समय प्री चेकिंग का समस्या जो आता है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी ग्राहक का अगर 10 फिंगर नहीं है, यानी कि कोई फिंगर अगर उसमें कटा हुआ है, फिर उसका कैसे करेंगे? 8 ही फिंगर है, फिर वो कैसे करेंगे, अकाउंट खोलेंगे? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि फोन नंबर, अगर APY में अगर फोन नंबर चेंज करना है, वो कैसे करना है। और सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि अकाउंट खोलना बंद कर दिया जाए, GSH है या भारत सरकार। बहुत सारे लोगों का सवाल है इस तरीके से। तो ये चंद सवाल हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जो थंबनेल देखा मन की बात बैंक मित्रों के साथ, ये तकरीबन मैं 3-4 संडे को इस तरीके का मैंने किया हुआ था। बहुत सारे लोगों को यह अच्छा भी लगा था, बट बीच में मैं किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आप लोगों के सवाल हैं, जो भी आपके समस्याएं हैं, मैं हर संडे को उसे सॉल्व कर सकूं। जो भी आप लोगों का कमेंट है, मैं उसे सॉल्व कर सकूं। लेकिन इसकी जो अभी मुझे कम पड़ रही है, कम इसलिए पड़ रहा है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि A to Z नेट समाधान SBI CSP ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे 477 मेंबर यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसमें ये फायदा ये हो जाता है हमारे CSP भाइयों को कि जो भी उनके पास समस्याएं होती है, वो लोग क्या करते हैं कि इस ग्रुप में शेयर करते हैं। इसमें जो भी समस्याएं होती है उनकी सॉल्व हो जाती है, जो भी परेशानियां होती है उनकी सॉल्व हो जाती है। तो जो भी अभी सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, ये हो सकता है कि उन CSP भाइयों का सवाल हो जो शायद इस ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा CSP टेलीग्राम ग्रुप का, जहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो वहां पे शेयर करेंगे। इमीडिएटली आपकी जो समस्याएं वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग पहला बात कर लेते हैं, जो सवाल भाई साहब ने पूछा है, अकाउंट जल्दी खुलने वाला अपडेट कब आएगा, अकाउंट खोलने में दिक्कत हो रही है। तो भाई साहब रोहित जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समस्या है तकरीबन 4 से 5 महीने से हर CSP के साथ ये चल रहा है। तो इसका एक ही जवाब है जो मैंने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ था कि ये बहुत जल्द आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने भी अपने पोर्टल में देखे होंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव तो हुए हैं, और ये जो काम चल रहा है बैकएंड में, ये अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं है। तो इसमें कोई एग्जैक्ट डेट निकल के नहीं आ रहा है कि किस डेट से आपका अकाउंट खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी के वक्त में बहुत सारे CSP भाई हमारे ऐसे हैं जो अकाउंट खोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर दिन में अगर 5 अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें से 2 ही अकाउंट जो है उनका सक्सेसफुली तरीके से खुल पा रहा है, बाकी कुछ ना कुछ रीजन, प्री चेकिंग रीजन या जो भी रीजन आता है जिसके कारण से अकाउंट उनका रिजेक्ट हो रहा है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग वेट करें। और मैं ये कहते कहते थक चुका हूं, क्योंकि आप लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, आप लोग ये सुनना चाहते हैं कि जितना जल्द आ जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम में है तो सिस्टम के साथ चलना ही पड़ेगा। बट कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, आप लोग वेट करें। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आ जाते हैं। अकाउंट खोलते समय प्री चेक सर्विस आ रहा है, समस्या कब खत्म होगी? मैंने बताया ना आपको, मैंने बताया पीछे, ये जो समस्याएं हैं कुछ ना कुछ आ रहे हैं और लोग अकाउंट खोल भी रहे हैं। एकदम से अकाउंट खोलना बंद नहीं है, यानी कि आपके सिस्टम में अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम ये कहता है कि नहीं आप अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग खोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या है कि आपको वेट करना है, बहुत जल्द जो आपकी समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था और ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर अगर अभी के वक्त में जो नया अपडेट है, जिस तरीके से अकाउंट लोग खोल पा रहे हैं, उसमें देखा गया है कि आपका 10 फिंगर का होना बहुत जरूरी है, बिना 10 फिंगर का आप अकाउंट वहां पे नहीं खोल सकते। लेकिन कुछ लोगों का इसमें सवाल है, क्या सवाल है वो आप खुद पढ़ लीजिए। किसी के 10 फिंगर नहीं हो तो क्या करें? 8 फिंगर सक्सेस होता है बट स्मॉल वाली फिंगर नहीं होती है तो क्या करें? किसी का 1 उंगली नहीं होगा तो क्या अकाउंट खुल सकता है कि नहीं? तो ये सबका जवाब एक ही है कि अगर किसी कारण व जिस भी ग्राहक का अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं, उसके पास में फिंगर की कमी है, यानी कि 10 के बजाय अगर उसके पास में 8-9 फिंगर है, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको कि फिंगर जो है वो किस कारण से मतलब नहीं है, उससे पूछना पड़ेगा। तो आप जो फिंगर सेलेक्ट करके वहां पे खोलते हैं, वहां पे एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसमें कारण आप लिख करके सबमिट करेंगे, तो आप वहां से आगे
स्टेप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और अपना जितना भी फिंगर उनका डाले हैं, जो फिंगर उनका कटा हुआ है, जैसे मिडिल फिंगर कटा हुआ है, रिंग फिंगर कटा हुआ है, उसमें लिख देंगे रिंग फिंगर कट, मतलब 2 इयर्स 3 इयर्स या फिर जिस भी कारण से उससे कटा हुआ हो वहाँ पे मेंशन कर देंगे और आप सबमिट करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर, मेरा APY में फोन नंबर अपडेट करना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी हमारे CSP भाई हैं आप जल्द से जल्द ग्रुप में भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे सारी समस्याएं आपको इमीडिएटली उसकी सॉल्व मिल जाती है, उसका सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी अगर एक बार APY अगर आप अपने सिस्टम से खोल देते हैं या फिर खुलवा लेते हैं तो CSP के पास में एडिट करने का ऑप्शन में भी नहीं होता है, मैंने जहां तक देखा है। लेकिन एक बार ब्रांच आप विजिट करें, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर आप मोबाइल नंबर वहां से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो आज का मेन आपको हेडिंग भी था, सबसे अच्छा अकाउंट ओपन प्रोसेस बंद कर देना चाहिए, DSH है या भारत सरकार। तो ये हमारे भाई साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से समस्याएं आ रही है अकाउंट ओपन करते समय, तो ये हमारे जितने भी CSP संचालक हैं तकरीबन 5 मंथ से कितना धैर्य रखे, सब्र का जो बांध था उनका खुद से छलकने लगा है। और इस बीच में क्या हो रहा है, इस बीच में कुछ CSP जो हमारे हैं वो कुछ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर दे रहे हैं कि उनके पास में विजिट के लिए DSH की तरफ से टीम जा रही है, तो उनके पास में सारी चीज होने के बावजूद भी वो इतने नर्वस हो जाते हैं कि DSH को सही जानकारी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी कोर्ट भी बंद हो रही है। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया हुआ था कि बहुत सारे CSP भाइयों का DSH ने कोर्ट बंद कर दिया है, उनके पास सब कुछ अवेलेबल था बट वो सही समय पे उनके सामने नहीं रख पाए। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे सर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बड़े साइज में आ रहा है 10 पेज का। तो भाई मैं आपको एक बता दूं कि 10 पेज का अगर आपके पास में अकाउंट ओपनिंग आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान कर रहे हैं पेपर का। तो आप एक काम करेंगे, जैसे आप अपना जो फॉर्म निकालते हैं ना, फॉर्म जैसे निकालते होंगे ऑटोमेटिक आपका प्रिंट निकालने का पॉपअप आ जाता होगा। तो अगर आपका 10 पेज में आ रहा है तो उस पॉपअप को क्लोज कर देंगे और Ctrl+P दबा करके प्रिंट करेंगे, तो आई होप कि आपका ये 4 से 5 पेज में आपका ये निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मैं DSS से पूछता हूं कि आप भी पूछिए कि जब मैं स्लिप देता हूं तो ट्रांजेक्शन रजिस्टर पर सिग्नेचर कराता हूं तो एक पर्ची अपने पास नहीं रखता हूं, तो कैसे कस्टमर के साथ फ्रॉड हो सकता है, कृपया बताएं। देखिए विजय जी, इसमें किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, ठीक है। बट आपके पास में कोई भी अधिकारी आता है तो क्या देखेगा, आप कितने ईमानदार हो वो तो आपके शक्ल से पता नहीं चलेगा ना। वो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, जो भी कागज, जो भी स्लिप आपके पास में होंगे, वही बताएगा ना उन अधिकारियों को कि आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। सो मैं आपको एक जरूर बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इसी मैटर पे एक भाई साहब ने अपना ट्रांजेक्शन स्लिप नहीं रखते थे, जिसके कारण से उनका कोड बंद है पिछले 2-3 महीने से। उसके लिए वीडियो मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा आप उस वीडियो को भी। तो मैं आपसे कहूंगा, जब इतना कुछ करते हो तो एक पेपर बचाने के चक्कर में आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इससे अच्छा है कि आप एक पेपर खर्च ही कर लो, यानी कि एक पेपर जो स्लिप निकलता है अपने पास में भी ग्राहक से सिग्नेचर करा के रख लो, इससे आपकी भी सेफ्टी होगी और कोई भी अधिकारी आपके ऊपर में कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो आई होप विजय जी कि आप समझ चुके होंगे और आप आगे से आप अपना पास में भी स्लिप रखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भाई मेरे पास में ATM नहीं है, कोई उपाय बताएं जिससे कि मैं नेट बैंकिंग फोन में खोल सकूं। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ATM कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आता ही है कि ATM कार्ड से एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो अभी आप ब्रांच से संपर्क करेंगे जहां से आपकी नेट बैंकिंग हो जाएगी। ये बहुत सारे सवाल थे, इन सवालों से उनका जवाब मिल चुका होगा। और भी किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और आपके जो भी सवाल है वहां पे पूछिए, जो भी समस्या है वहां पे शेयर करिए, और आप अपने सेंटर को साफ सुथरा बनाकर रखिए और आप अपने जो भी फाइल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ अपडेट करके रखिए, क्योंकि DSH कभी भी आपके सेंटर पे विजिट के लिए जा सकती है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कोई भी CSP भाइयों के साथ में DSH वाले उनके कोड को बंद करें, जो भी करें। तो इससे अच्छा है कि पहले आप लोग अपनी तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर ले, एक फाइल बनाए और आप अपने सेंटर पे अवेलेबल कराएं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।